हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो खीर है वो बनकर तैयार हो गया है और ये हमारे यहाँ की स्पेशल जो है रेसिपी है। और सावन के महीने में खासकर ये जो है बहुत बार बनाया जाता है, जिसे हम लोग खीर बोलते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अपने किचन में खीर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग दूध लिए हैं। दूध को सबसे पहले हम लोग गर्म करेंगे। ये मेरा रेगुलर दूध है, पैकेट वाला। आप चाहे तो गाय का दूध भी यूज कर सकते हैं। जो भी दूध आपके पास है उससे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले दूध को हम लोगों को गर्म करना होगा, यानी उबालना होगा। तो सबसे पहले पतीला में हमने थोड़ा सा बस पानी डाल दिया है ताकि दूध नीचे चिपके नहीं, और इसमें दूध जो है वो डाल देते हैं। ये मेरा पैकेट का दूध है, आप जो भी दूध आपके पास है यूज कर लीजिए। अभी मैं दूध को इसमें डाल दी हूँ और उसको उबलने के लिए चढ़ा दी हूँ। जब तक हमारा दूध उबलता है तब तक हम लोग चावल को इस तरह से निकाल लेते हैं। ये मेरा खीर का चावल है, ये छोटा दाना वाला चावल है स्पेशल खीर के लिए, जो है मार्केट में मिल जाता है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल चावल जो अरवा चावल होता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं खीर बनाने के लिए। तो अभी चावल को सबसे पहले मैं इसको धो लूँगी 2-3 पानी से, उसके बाद थोड़ी देर इसको फूलने दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 2 से 3 आदमी का। मैं 2 आदमी के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा ही बनाऊँगी, और इतना चावल जो है काफ़ी है 2 लोगों के लिए, ये फैलता बहुत ज़्यादा है। तो धोकर अभी मैंने इसे साफ़ कर लिया है और अभी इसे थोड़ी देर फूलने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पे मैंने दूध को चढ़ा दिया है उबलने के लिए। अभी तक दूध उबला नहीं है, जब तक दूध उबलता है तब तक हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हम लोग थोड़ा सा भून लेते हैं। आप चाहे तो इसे कच्चा भी ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन भून कर डालने से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा हमने घी लिया है और उसमें ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है। काजू है, बादाम है, मैं थोड़ा सा किशमिश भी डाल सकती हूँ। जो जितना भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें डाल सकते हैं। नारियल, सूखा नारियल, कच्चा नारियल जो भी है उसको भी डाल सकते हैं। छुहारा भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है उसे डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को भून कर हमने साइड कर लिया है। अभी देखिए दूध भी मेरा उबल गया है, तो मैं इसे छोटे पतीले में डाल रही हूँ। जितना दूध की मुझे ज़रूरत है उसे मैं यहाँ पर ले ली हूँ, और बाकी दूध को मैंने अभी बचा के रखा है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो और यूज करेंगे। तो दूध में अभी हम लोग उबाल लाने देते हैं, और आप चाहे तो थोड़ा पानी भी इसमें डाल सकते हैं। अगर दूध कम है तो थोड़ा दूध और थोड़ा पानी भी आप खीर बना सकते हैं। तो जैसे ही दूध मेरा उबलने लगेगा इसमें डालूंगी मैं चावल। थोड़ा सा अभी दूध को अच्छे से उबलने दीजिए, उसके बाद चावल डालिए, नहीं तो क्या होगा, आपका खीर अच्छा नहीं बनेगा। तो दूध में एक उबाल आने दीजिए और इस तरह से इसको चलाते रहिए। देखिए मेरा दूध में जो है उबाल आ चुका है, तो अभी इसमें जो है हम लोग चावल डाल देंगे। और ये सावन महीने का जो है स्पेशल रेसिपी है, हम लोगों के यहाँ खूब बनाया जाता है। जैसे हो गया अभी हमारों का नागपंचमी है तो उसमें भी बना था, और अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो भी बनेगा। और ऐसे कोई भी मेहमान घर पे आते हैं तो हम लोगों का के यहाँ खीर जो है वो हमेशा बनता है। और रेगुलर डे पे भी कोई छोटा मोटा फंक्शन हो गया, पार्टी हो गया, तो उसमें भी हम लोगों के यहाँ खीर जो है वो इसी तरीके से बनाया जाता है। तो हमने छोटे छोटे चावल को जो हमने फुला के रखा था उसे हमने इसमें डाल दिया है, और डालने के बाद एक बार हम लोगों को अच्छे से चला देना, नहीं तो क्या होगा, ये नीचे चिपक जाएगा और आपका खीर अच्छा नहीं बनेगा। और कुछ जो चावल के दाने थे वो मेरी कलछी में जो चिपके हुए थे उसको भी मैंने एक चम्मच से छुड़ा लिया है, यानी चावल को हमने पूरा अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। तो अभी इसको ऐसे ही घाटते रहेंगे और खीर जो है बिल्कुल जल्दी हमारा बनकर तैयार हो जाता है। 15 से 20 मिनट मैक्सिमम जो है खीर बनने में लगता है। इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग चलाते रहेंगे धीमी आँच पर, और नहीं चलाएँगे तो क्या होगा, नीचे चावल जो है आपका चिपक जाएगा। तो 2-3 मिनट के अंदर, मतलब रेगुलर इसको हम लोगों को कंटिन्यू जो है वो चलाते रहना है, और मीडियम को मतलब फ्लेम को हाई नहीं रखना है। हाई रखिएगा तो दूध जो है वो बहकर गिर जाएगा। देखिए इस तरह से बहना जो है वो शुरू हो जाता है। तो फ्लेम को मीडियम रखिए और कंटिन्यू जो है इसको चलाते रहिए। तो अभी देखिए मेरा दूध देखिए कितना सूख चुका है, और चावल भी लगभग जो है पक गया है। तो चावल को यहाँ पर हम लोगों को पूरा नहीं पकाना है, इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। जब चावल को पकाते हैं तो हम लोगों को चावल को बस 80% ही पकाना है, 100% चावल को नहीं पकाना है। 100% चावल को पका लीजिएगा तो खीर आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से जिस तरह से चावल को हम लोग पूरा अच्छे से पकाते हैं उस तरह से नहीं पकाना है। तो अभी मेरा चावल जो है लगभग 80% पक चुका है। आप दबाकर इसको देख सकते हैं, चावल अगर चेक करना हो तो उसको एक बार फिंगर के बीच में दबाइए, आपको पता चल जाएगा किस तरह का चावल जो है पका है। मेरा 80% पक चुका है। तो अभी इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मीठा, ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने जितना चावल लिया था करीब उतना ही मैंने चीनी भी लिया है,
और अभी इसको डाल देते हैं। और अगर कम मीठा पसंद है ना तो आप थोड़ा कम चीनी डालिए। गुड़ यहाँ पे मत डालिए, गुड़ डालने से क्या होगा ये फट जाएगा, क्योंकि गुड़ जो रहता है उसमें थोड़ा खट्टा डाला हुआ रहता है, इसलिए वो फट जाता है। तो अभी इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसमें उबाल आने तक का वेट करेंगे, क्योंकि देखिए चीनी डालने से टेम्परेचर इसका डाउन हो गया है और ये उबलना बंद हो गया। तो इसको तो 2 मिनट तक अभी इसको इस तरह से चला लेते हैं और चीनी को इसमें घुलने देते हैं और इसमें उबाल आने तक का वेट करते हैं। दोस्तों जब इसमें उबाल आ जाएगा तो बस इसको मतलब गैस को बंद कर देना है, ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। अभी हमारा अच्छे से इसमें उबाल आ गया है तो इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमने मतलब वो फ्राई करके रखा था उसको डाल देंगे। अगर आपके पास कच्चा ड्राई फ्रूट्स है तो उसको भी डाल सकते हैं, अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते हैं तो बिना ड्राई फ्रूट्स का भी आप बना सकते हैं। अगर मखाना वगैरह है तो उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। अभी देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है, ड्राई फ्रूट्स के डालने के बाद बस इसको एक बार मिला लेंगे और बस 2 मिनट तक इसको पकने देंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। देखिए दोस्तों मेरा 2 मिनट हो गया है, मैं गैस को अभी ऑफ़ कर देती हूँ और देखिए कितना अच्छा जो है खीर मेरा तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसको मतलब गाढ़ा खीर आपको पसंद है तो थोड़ा सा इसको सुखा सकते हैं, नहीं तो ये खीर जो है ना सूखनेगा, ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसको पतला ही रखिए, थोड़ा अगर गाढ़ा लगता है तो इसमें आप दूध जो है वो गर्म दूध इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अभी मेरा मैंने गैस को ऑफ कर दिया और सबसे लास्ट में मैं थोड़ा सा केसर का धागा इसके ऊपर डाल दे रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, देखने में भी खूबसूरत लगता है। अगर आपके पास नहीं है तो ये आप इससे छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। और अभी इसको मैं ढक देती हूँ और ढकने के बाद ये थोड़ा सा और जो हो जाएगा ये मतलब गाढ़ा हो जाएगा, अभी थोड़ा आपको पतला दिखने में लग रहा है। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे चेक करके आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना सुंदर हो गया है, बनकर तैयार हो गया है मेरा खीर और गाढ़ा भी हो गया है। दूध जो है चावल जैसे ऐसे छोड़ देते हैं उसमें तो दूध को और एब्जॉर्ब करता है, तो अगर आपको और गाढ़ा लगता है, मेरा तो कंसिस्टेंसी ठीक है, मुझे यही कंसिस्टेंसी जो है खीर का पसंद है, अगर आपको और गाढ़ा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म दूध जो है वो डाल सकते हैं और थोड़ा सा गर्म करके खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसे गर्मा गर्म खाने वाली हूँ और आप चाहे तो इसे ठंडा करके भी खा सकते हैं, ठंडा करके भी ये खूब अच्छा लगता है, आप फ्रिज में रख कर ठंडा करके भी खा सकते हैं, ठंडा खीर भी जो है वो खूब पसंद मतलब अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स मेरा खीर बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्त फ्रेंड्स आपके यहाँ खीर किस तरीके से बनाया जाता है कमेंट करके बता सकते हैं।